Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, how are you friends? So, आज हम स्टार्ट करेंगे परमिटिविटी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा डिटेल से नहीं बताया, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी ड्राइव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज परमिटिविटी. तो मैं आपको बता दूं परमिटिविटी होती क्या है. परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं. सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. तो जो परमिटिविटी होती है वो किसी भी, अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर जो दो चार्ज रखेंगे, अब उन दो चार्जों के बीच में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उस चार्ज को फाइंड करने के लिए हमें हेल्प करती है जो उसकी, जिस मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसकी जो परमिटिविटी है वो हमें हेल्प करती है. कि जो इसके अंदर जो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, हाई होगा या लार्ज होगा. सो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, परमिटिविटी उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसको डिटरमाइन करती है परमिटिविटी. सो परमिटिविटी को डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से नोट करते हैं. एंड परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज उसको डिनोट करते हैं हम ई एप्सिलॉन नोट से. एंड वो होती है 8×10−12 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो ये इसकी यूनिट होगी. ये हमने यूनिट उससे निकाली है जो हमने पिछली बार जो हमने देखा था कि जो के की यूनिट क्या होगी. पहले हम फोर्स देखते हैं, के क्यू वन इंटू क्यूटो फोन आर स्क्वायर. अब के की वैल्यू हमने देखो, के लिए वैल्यू निकाली तो हमने देखा फोर्स इंटू आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू क्यू वन. सो अब देखो के लिए जो होगी यूनिट, कूलम्स कॉन्स्टेंट के लिए जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम्स पावर माइनस टू. सो जस्ट जो कॉन्स्टेंट होता है कूलम्स कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू होती है वन पर एप्सिलॉन नॉट. जो ये तो कॉन्स्टेंट होता है तो जो के होता है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसकी यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो हमने देखो ये लिखा है यहाँ पर न्यूटन, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, या प्लस में माइनस में, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में. जो एप्सिलॉन जो फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी होगी उसी को बोलते हैं हम, ये उसकी वैल्यू ही होगी. और अब हम देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी. जैसे हमने पिछली क्लासों में इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सप्रेशन एंड ऐसे, उसी टाइप से रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है. सो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन होगी रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मीन्स जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होगी उसका रेशो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ जो रेशो होगा उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. एंड बस सिंपल सी है ही इसकी डेफिनेशन, जो रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो आज मैं डिटेल से बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सो मैं आपको बता दूं जो कोई भी चार्ज होता है, तो चार्ज के अराउंड जो भी जो एरिया होता है या फील्ड होती है, उसके अराउंड जो भी चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड होगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर इसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स देखेगा कि भाई इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है और बाद में पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स होगा, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। एंड अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मीन्स जो भी कोई चार्ज होता है उसके अराउंड जो भी जो एरिया होता है या कोई फील्ड होती है, उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें जो कोई चार्ज होता है वो दूसरा चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो 11th क्लास में उसमें हमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसी भी दो मासों के बीच में जो फोर्स निकालता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो भी उसके बाद में हमने देखा था कि जो उसके लिए हुआ था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो उसमें हमने देखा था, अब इसी प्रकार से यहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको भी हम इसे डिनोट करते हैं, इसके लिए फोर्स, इसके लिए जो डेफिनेशन वो होगी फोर्स और यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट को हम बेसिकली बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एंड अगर यहाँ पर हम इसको वन यूनिट ले लेंगे तो जो फोर्स होगा किसी भी चार्ज के ऊपर उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड हम इसकी यूनिट देखेंगे, फोर्स के लिए न्यूटन होगी, चार्ज के लिए हम होगी न्यूटन पर कूलम, जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी न्यूटन पर कूलम। एंड इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी देखते हैं हम। जैसे अब जैसे भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम पूछ कोई भी पूछ ले कि जो चार्ज हम फाइंड कैसे करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है। जैसे कोई चार्ज है, अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ है क्या है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड अगर खाली ओनली वन चार्ज है तो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनफाइनाइट से होगी नेगेटिव की तरफ। एंड अगर यहाँ पर खाली पॉजिटिव है तो वो इनफाइनाइट पर होगी, पॉजिटिव से लेके इनवाइट तक, इनफाइनाइट की तरफ जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। एंड अब क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। सो जैसे कोई भी हमने ये ले लिया, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर क्योंकि चार्ज चार्ज के अराउंड फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज जनरेट करेगा। जैसे ही अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर चाहे यहाँ पर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज ही तो करेगा। तो यहाँ पर हम एक चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बेसिकली जो चार्ज को मेजर करने के लिए जो चार्ज को कनेक्ट करता है या जो चार्ज को डिटरमिनेंट करता है वो टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें टेस्ट चार्ज मान लिया और यहाँ पर पॉइंट पी मान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर खाली एक चार्ज है तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। एंड जो पॉइंट चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है, एंड जो पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है वो पॉजिटिव नेचर है, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही होगी। और हमने डिस्टेंस कंसिडर कर ली आर,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आर कैप होगी, क्योंकि आर की तरफ है तो आर कैप होगी। सो फर्स्टली हम देख कंसिडर करते हैं जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होगा के क्यू वन आर डायरेक्शन देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर हमने ये चार लिया है तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, देन आफ्टर क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू पुट कर लेंगे तो इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर एंड क्यू नॉट है, तो ये कैंसिल हो जाएगी इससे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो होगी वो होगी क्यू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। सो डायरेक्शन स्क्वायर कैप, सो इससे हम पता लगाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही होगी अगर कोई सेम चार्ज होंगे तो। सो हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।